हाँ तो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी के Q3 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे 1% से रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1448 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 39% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 78 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें 9% से कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें 110% यानी कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये नंबर आया है 78 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे अराउंड 13 से 14 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे सुजलॉन एनर्जी हमें अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर कंपनी हर क्वार्टर में अगर 100 करोड़ का भी अगर एवरेज प्रॉफिट अगर कंपनी कमाती है, यानी कि अगर 400 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो भी लगभग 35 का पी रेशियो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अभी कंपनी 400 करोड़ का बिजनेस कर भी नहीं रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी का 200 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। हम ये मान के चलते हैं कि अच्छी खासी रिकवरी यानी कि 100% से नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के बढ़ जाते हैं, तो भी वहां पर अगर आप देखोगे वैल्यूएशन यहाँ पे काफी हाइयर साइड में हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा अपसाइड मूवमेंट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन कभी कभार अगर जो कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही होती है और अगर वो कभी 2-3 क्वार्टर्स अगर उनके लगातार प्रॉफिट आ जाते हैं तो वहाँ पे 10 से 15% की रैली वहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन आपने ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे 2-3 गुना में होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, मैं बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात बात होती है तो उनका कहना होता है कि सुजलॉन एनर्जी 30 रुपये 40 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, अभी लगभग 14 हजार करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे, यानी कि 3 गुना अगर हो जाएगा तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो देखिए, 42,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो मेरे ख्याल से जो रिटेल की डिमांड है उससे वहाँ पे वो स्टॉक इतना ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर स्टॉक को यहाँ पे 3 गुना होना है वहाँ पे डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड्स है, जो FIIs, जो उन्हें यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली अगर उनकी डिमांड क्रिएट होगी ये स्टॉक हमें यहाँ पे 3 गुना होता हुआ नजर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कंपनी के लिए वो यहाँ पे 50-8 का पी मल्टीपल वहीं यहाँ पे देना वो पसंद करेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी सुजलॉन से दूरी रहना चाहिए। अगर 4-5 में अगर आपके पास में पड़ा हुआ है और अगर ये रिजल्ट के बाद में अगर 5 से 6% या 10% की रैली अगर देखने को मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि सुजलॉन एनर्जी के जो Q3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।